दोस्तों, अगर आप घर बनाने की सोच रहे हो, घर का फाउंडेशन प्लान है आपका, तो प्लिंथ बीम कहाँ डालें और जमीन लेवल पे प्लिंथ बीम डाला है तो ईंटों की जुड़ाई के बाद डीपीसी कैसे डालते हैं। दोस्तों, अगर आप भी घर बना रहे हो या घर का फाउंडेशन बना रहे हो तो घर बनाने से पहले यह वीडियो आप अवश्य देखें, आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप न्यू मिस्त्री हो और अगर आप मिस्त्री का काम करते हो और आपको नॉलेज नहीं है एक मकान बनाने से पहले क्या करना होता है और क्या प्रोसेस होता है, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे डीपीसी क्यों डाला जाता है, प्लिंथ बीम कैसे डालते हैं, प्लिंथ बीम कहाँ डाला जाता है और डीपीसी कहाँ डाला जाता है, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने अगर देख लिया तो आप फुल डिटेल से ये समझ जाओगे, ये सीख जाओगे। अगर आप भी एक मकान बनाने की सोच रहे हो, मकान का फाउंडेशन प्लान है आपका, अभी मकान का फाउंडेशन बनने का, तो आप ये वीडियो अवश्य देखें, आपको इस वीडियो में बहुत मतलब हेल्प मिलेगी। आपका मकान बनाने से पहले आपको जो नुकसान होने हैं वह नहीं होंगे। और इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमें भी अच्छे लगे कि आप हमारी वीडियो देखते हो और कुछ सीखते हो। तो चलते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि यहाँ पर मतलब डीपीसी क्यों डाला जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, तो सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो न्यू मिस्त्री हैं तो उन्हीं को मतलब वीडियो अवश्य देखें, और जो घर बनाने का प्लान बना रहे हैं, घर बनाना चाहते हो, आपको नॉलेज नहीं है तो कैसे घर बनाए जाएँ और जिससे आपका नुकसान होने से बचे। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे सिखाते हैं कि डीपीसी क्यों डाला जाता है और इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देख रहे हो वीडियो में जैसा कि यहाँ पे एक फाउंडेशन मकान का बना हुआ है, तो यहाँ पे ये डीपीसी यहाँ पे डाला हुआ है। तो डीपीसी क्या काम करता है, इसका आज को आप मैं पूरा मतलब कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो डीसीपी कहाँ डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए और क्यों डाला जाता है, इसको मतलब क्या रोल होता है इसका मकान में, और प्लिंथ बीम कहाँ डाला जाता है और ये मतलब क्या काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों, आपको पूरा यहाँ पे प्रोसेस में यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो देखो, आपको सबसे पहले मैं प्लिंथ बीम के बारे में समझाता हूँ। जैसा कि हमारा ये प्लिंथ बीम इसके नीचे डला है, यहाँ से ढाई फिट नीचे, तो वो जमीन लेवल पे हमने यहाँ पे प्लिंथ बीम दिया था। प्लिंथ बीम मतलब जो हमारा मकान का कॉलम का पूरा जो ब्रिक वर्क करते हैं उसका वजन और जो मकान होता है उसको कसने का काम करता है। कहीं पे भी भूकंप वगैरह आए, क्या कोई ज़मीन ऐसे दसकती है तो वह मकान में क्रैक नहीं आते हैं, वो मकान गिरने से बच जाता है। उससे कई फायदे होते हैं प्लिंथ बीम के। प्लिंथ बीम इसीलिए दिया जाता है कि हमारा जो मकान है उसकी नींव मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि मतलब यहाँ पे ये डीपीसी क्यों ज़रूरी होता है और डीपीसी कहाँ पे डाला जाता है और क्यों इसको डालते हैं। आपने बहुत सारे मकानों में देखा होगा, अभी तक आप कन्फ्यूज होंगे, आपने अभी तक ये भी नहीं जानते हो कि डीपीसी क्यों ज़रूरी होता है मकान के लिए और क्यों इसको डाला जाता है। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो, जैसा कि हमने यहाँ पे ये डीपीसी डलवाया है, ये देखिए यहाँ पे डीपीसी आप 4 इंची 3 इंची का डाल सकते हो, लेकिन इसका कंक्रीट अच्छी तरीके से आपको बनाना होगा ये सही रेशे के साथ। और इसके फायदे देखो क्या फ़ायदे होते हैं, जैसा कि हमारा ये आपको दिख रहा है वीडियो में, ये ब्रिक वर्क है नीचे से, जो हमने प्लिंथ बीम डलवाया था उस प्लिंथ बीम ऐसे आप डलवाते हो तो प्लिंथ बीम से जैसे आप बोलते हैं कि मतलब दासा मान लो, या आप मान लो कि वो मकान का मतलब कुर्सी बोलते हैं कहीं जगह पर, और बोलते हैं कि इसका मतलब गेट खिड़की जो हम गेट रोपते हैं उसके बराबर ईंट का नीचे से जो प्लिंथ बीम डालते हैं उसका मतलब ऊंचाई करके, और जहाँ पे हम गेट रोपेंगे जहाँ हमारा दासे का लेवल है तो उस लेवल पे वो हमें ये डीपीसी डालना होता है। इसके फायदे क्या होते हैं कि जैसा कि हमने नीचे ब्रिक वर्क किया, ब्रिक वर्क का ऐसे बरसात आती है तो बरसात में कई सारे आपने मकान देखे होंगे, जैसा कि वो सीलन आती है उसमें, उसका पलस्तर पेंट वो सब मतलब पपूडन जैसा हो जाता है, पूरने लगता है और गिर जाता है। तो इसके फायदे यही है कि अगर नीचे से मान लो यहाँ से जैसे बरसात हुई, इधर में मिट्टी डला है, मिट्टी से पानी ईंटा सोखेंगी तो
धीरे धीरे करके पानी है ना ईंटा अपने आप ऊपर खींचती चलती है तो अंदर भी सीलन जाती है और बाहर भी सीलन जाती है। जैसा कि पलस्तर करवा लेते हैं, पेंट करवा देते हैं, बढ़िया क्वालिटी का पेंट करवाने के बाद हमारा कई मकानों में आपने देखा होगा पुट्टी पेंट सब पपड़ी सी बन के मतलब झड़ जाती है, गिरने लगती है, पलस्तर भी गिरना लगता है और फूलने लगता है पलस्तर। तो अगर ये आपने मकान बना रहे हो या बनवा लिया है तो आगे आप अगर मकान बनाओगे तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इससे क्या है भाई, सीलन रुकती है, जो हमारा ज़मीन का जो मिट्टी चारों बगल हम डाल देते हैं उसके लेवल करके, तो वो मिट्टी से पानी ऊपर की तरफ ईंटा ऑटोमेटिक खींच लेती हैं। अगर हम आप प्लान कर रहे हो, मकान बनने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो में देखने के बाद आप ऐसा गलती कभी नहीं करोगे। ये DPC ये काम करता है कि ये सीलन को रोकता है। अगर कहीं हमारा ये ईंटा पानी खींचेगा तो हमारा ये DPC यहाँ पे आपने अगर ऐसे डलवा लिया या आप मिस्त्री हो और आपने कहीं पे मतलब काम कर रहे हो और इस तरीके से अगर DPC आपने डाल दिया जहाँ पे आपका जो मतलब कमरे का फ्लोर होता है उस लेवल में जहाँ पे गेट रोपना है आपको, गेट फिटिंग करना है, उस लेवल पे जाके आपने अगर DPC डलवा दिया 4 इंची 3 इंची में, तो आपका मकान जो बना रहे हो आप उस मकान मालिक का कहीं पे भी नुकसान होने वाला नहीं है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैं वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि DPC इतने मोटे से कम आपका DPC नहीं होना चाहिए, 3 इंची से कम आपको नहीं रखना चाहिए, बल्कि 4 इंची आपका DPC होना चाहिए। जैसे कि हम इधर की साइड आ गए हैं, इधर की साइड में आपको सही तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इधर में देखो ये ईंटों का यहाँ पे जुड़ाई करवा लिया। ईंटों का जुड़ाई करने के बाद अब यहाँ पे ये कुर्सी है हमारी, इतना हमारे मतलब मकान का लेवल रहना है यहाँ पे, जो हम DPC बोलते हैं इसे। आप अच्छी तरीके से कंक्रीट बनवाना, अच्छी तरीके का कंक्रीट आप डालना भाई न्यू मिस्त्री। और मकान मालिक अगर इस वीडियो को देख रहे हो, मकान बनाने की सोच रहे हो, तो आप इसी हिसाब से DPC डलवाना, तो आपका कहीं पे भी पलस्तर पेंट कोई नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही आपके मकान के अंदर सीलन आएगी। ये भाई सीलन को पूरी तरीके से रोकने का काम करता है। अगर इस ब्रिक में ईंटों में नीचे से सीलन जाएगी, पानी खींचेंगे ईंटें, तो यहाँ पे जाके जो हमने DPC हम डलवाते हैं इसको, यही कारण है। इस DPC डालने का फायदा यही होता है कि ये हमारे सीलन पानी को पूरे को यहीं पे रोके रखेगी और इससे ऊपर हमारी जो ईंटों की जुड़ाई होगी उसमें पानी ये नहीं जाने देगा। तो दोस्तों इसका मतलब बहुत फायदा रहते हैं, यही फायदा होता है इसका कि ये मकान में सीलन मतलब जाने से रोकती है हमारे मकान के अंदर, आपके मकान के अंदर, इससे पानी ऊपर नहीं जाएगा और ना ही आपकी दीवार कहीं पे बिगड़ेगी। तो आपको अच्छी तरीके से मैंने सिखाया कि मतलब क्या काम करता है DPC और न्यू मिस्त्री हो, तो ये गलती आप कहीं मत करना, नहीं तो आप बाद में आपको जो आपका मकान मालिक है तो वह बोलेगा कि भाई हमारे पूरे मकान में सीलन आती है। अगर आप इतनी ऊंचाई पे जो मकान का हमारा फ्लोर है, फ्लोर तक हम अगर प्लिंथ बीम डाल रहे हैं, तो हमें इसको मतलब 3-4 फीट दीवार उठाने के बाद डाल देना चाहिए ऊपर। इससे क्या होता है कि हमारी दीवार क्रैक होने से भी कहीं बच जाती है और इससे हमारी मकान के अंदर सीलन अगर ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो इस यहीं तक सीमित रहेगी और इसके ऊपर सीलन कभी नहीं आएगी। अगर ज़मीन से पानी खींच रही है ईंटें आपकी और आपको सीलन रोकना है, तो इसी तरीके से आपके मकान को सीलन यही DPC से रोका जाता है। और DPC क्यों ज़रूरी होता है, यही कारण है DPC डालने का कि मकान में सीलन का काम यह DPC करती है और इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि मतलब DPC क्यों ज़रूरी होता है मकान में। और अगर आप यहाँ पे प्लिंथ बीम दे रहे हो, मकान लेवल है और नीचे आपने मतलब अलग से जुड़ाई की है और आप इतनी ऊंचाई पे आके अगर प्लिंथ बीम डाल रहे हो, तो भाई आपको यहाँ पे मतलब जो मकान का फ्लोर है उस पे ये DPC डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप चाहें तो बीच में 4-5 फीट पे आप DPC डलवा सकते हो या मिस्त्री हो तो डाल सकते हो। तो भाई इसके यही फायदे होते हैं। तो आज की वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया।
अगर आज का मेरा यह वीडियो आपको अगर पसंद आया और इससे आज आपको कुछ सीखने को मिला तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी यह जानकारी पता चले कि मकान में डीपीसी क्यों जरूरी होता है, प्लिंथ बीम कहाँ दिया जाता है, डीपीसी कहाँ डाला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।